आज हम लोग टू क्लास 12th की एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट इकोलॉजी उसको शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा कि इस पूरे यूनिट से, मीन्स जो इसमें 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में, इससे टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, विच इज इक्वल टू अ 60 मार्क्स। तो ये चैप्टर आप, मीन्स ये यूनिट आप स्किप नहीं कर सकते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए। टॉपिक मीन्स चैप्टर क्या है आपका? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब सबसे पहले ये इकोलॉजी में आता है, तो इकोलॉजी को पहले समझिए क्या है। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग। अब इसमें क्या है कि इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग, मीन्स कि इंटरेक्शन या रिलेशनशिप दो लिविंग के बीच में, चाहे वो कैसा भी हो, मीन्स क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर प्लांट्स रिलेशन में हो उसका, ठीक है, या फिर देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है उसमें, कि आपका नॉन लिविंग भी है। आप लोगों ने दो टर्म सुना होगा, बायोटिक और एबायोटिक, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक, तो सबसे पहली बात समझना कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो क्लास 11th के सेल के चैप्टर में चलिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग को मैं बता रहा हूं, यहां से समझ में आएगा। ये मैक्रो या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल, इसको अगर छोड़ भी देते हैं तो यहां आइए, आपको यहां से ध्यान आएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अब इसके टर्म में। तो सेल, सेल क्या बनाया है आपका? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं आपके? ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बनते हैं आपके? ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनते हैं आपके? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम से क्या बने आपके? ऑर्गेनिज्म। अब फ्रॉम द सेल टू ऑर्गेनिज्म, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा हुआ है उसका। ठीक, वो इस इकोलॉजी के टर्म में जो हमारा है उसमें क्या है हमारा, ये लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपका लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म तो आ गया, अब उस ऑर्गेनिज्म से हमें फिर आगे बढ़ना है। इकोलॉजी में है और ये डील कर रहा है किसका? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में और भी कुछ है, नॉन लिविंग भी है, उस नॉन लिविंग में बहुत सारी चीज है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म मेक अ पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन मेक्स अ कम्युनिटी। ठीक है, एंड कम्युनिटी मेक्स अ एबायोटिक फैक्टर कॉल्ड अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मेक्स अ बायोम्स एंड बायोम्स मेक अ बायोस्फेयर। दिस इज कॉल्ड अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये क्या कहलाएंगे आपके? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या कि सेल से आपका ऑर्गेनिज्म तक, ये आपका इस इकोलॉजी के टर्म में लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर बना तो फिर उसके बाद क्या है उसका, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? अगर फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करेगा तो उसके लिए भी तो उसको पूरा इकोसिस्टम चाहिए ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। वो चाहे दूसरा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, या फिर हम लोग ह्यूमन हैं, या फिर कोई भी अगर एनिमल की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे पास कि जरूरी नहीं है कि हम लोग केवल ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करते हैं, हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है आपका कि दो फैक्टर हैं आपके, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ठीक, समझते हैं इसको। एबायोटिक फैक्टर आपका क्या है? एबायोटिक फैक्टर जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नॉन लिविंग, जो भी एबायोटिक फैक्टर है वो आपका नॉन लिविंग है, लाइक कि टेम्परेचर, टेम्परेचर नॉट लिविंग, वाटर ये भी आपका लिविंग नहीं है, लाइट ये भी लिविंग नहीं है, सॉइल ये भी लिविंग नहीं है, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये चारों जो आपका एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ही कंपलसरी होता है, इसके बिना उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल सर्वाइव नहीं होगा ये बिना आपका एबायोटिक फैक्टर्स के। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, वाटर चाहिए वेरियस पर्पज के लिए पता है, लाइट भी चाहिए प्लांट्स के लिए भी, और क्या कहते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स का आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए भी, सॉइल चाहिए हम लोगों को भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें सॉइल में आपके ग्रोथ करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। तो एबायोटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, और अब आते हैं बायोटिक फैक्टर का। बायोटिक फैक्टर में क्या है, प्रीडेशन मींस क्या, रिलेशन बिटवीन स्पीसीज टू स्पीसीज, जैसे कि हम लोग हो गए। ठीक है, पैरासिटिज्म, इनमें भी स्पीसीज टू स्पीसीज है, मींस कि एक दूसरे पे ये भी डिपेंड करते हैं। पैरासिटिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो अपने लिविंग रहने के लिए किसी और पे वो डिपेंड करते हैं। पैथोजेन लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं बायोटिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सारे इसमें लिविंग आएंगे। पैथोजेन का मीन्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेन क्या होता है, जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, जो आपको बीमार कर सकता है। और कंपटीशन मींस व्हाट, कि बायोटिक फैक्टर में कंपटीशन है ना एक दूसरे से। अगर आप सपोज कि आप स्टूडेंट हैं और किसी क्लास में आप दो तीन अपने दोस्त हैं, तो एग्जाम के टाइम होती है ना कंपटीशन, जिसको ज्यादा मार्क्स आया, या फिर जैसे आप लोग नीट का पेपर देंगे, तो कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन जब आप चार दोस्त हैं सपोज, और चारों आप एग्जाम में बैठते हैं, कहने का क्या मतलब हुआ कि उस वक्त आप एक दूसरे के कंपटीटर हैं, कि कौन आगे निकल रहा है, किसका पेपर निकल रहा है, कि कौन कितने मार्क्स से निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर, जो इकोलॉजी का जो टोटल टर्म है आपका, जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनका नॉन लिविंग से भी है, और जो नॉन लिविंग है उनका रिलेशनशिप भी आपका लिविंग से, दिस इज कॉल्ड द इकोलॉजी। हम लोग अब इसको फर्दर आगे डिटेल में पढ़ते चलेंगे।